हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ढावा स्टाइल दम आलू सब्जी की रेसिपी, जो आज आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इस सब्जी के साथ आप रोटी, चावल, पूरी, पराठे किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिना देरी करते हुए आइए बनाना शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। 5 से 6 चम्मच हम इसमें तेल ऐड कर देंगे और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने 500 ग्राम आलू ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो करके ले लिया है। अब हम इसे तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसे डाल करके मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसे इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे 2 से 3 मिनट ढक करके हम इसे थोड़ा पका लेंगे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो पाए। अब हम आलू को देख लेते हैं। ये देखिए, आलू हमारी फ्राई हो चुकी है और ये अच्छे से पक भी गई है। ये देखिए, हमने इसे बीच बीच में एक बार चला के चेक कर लिया था। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने सारे आलू को निकाल लिया है। अब हम इसमें इसमें हम ऐड करेंगे, ये मैंने 2 प्याज ले लिया, ये मीडियम साइज का प्याज है, इसको मैंने इस तरीके से काट के ले लिया है। एक टमाटर लिया है, इसे मैंने रफली चॉप काट के ले लिया है। कुछ लहसुन की कलियां हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 10 से 12 हमने काजू ले लिया है। अब हम इसे सारी चीजों को हम तेल में डाल देंगे। तेल थोड़ा ज्यादा है, हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें काजू और हरी मिर्च डालेंगे। फिर हम इसमें लहसुन की कलियां और अदरक डाल देंगे। सारी चीजों को हम अच्छे से तेल में भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देते हैं। साथ में हम इसे भी सॉटेज कर लेंगे। सारी चीजों को हमने सॉटेज कर लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। सारी चीजें हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम सारी चीजों को डाल करके इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। जार का ढक्कन लगा के आप इसे पीस लें। ये लीजिए, हमने इसे पीस के तैयार कर लिया है। अब हम फिर से कढ़ाई रख देंगे गैस पे। अब यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच हमने तेल गर्म होने के लिए दे दिया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 हमने लौंग ले लिया है, 5 से 6 काली मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून जीरा। सारी चीजों को तेल में डाल देते हैं और इसे चटकने देते हैं। सारी चीजें हमारी चटक चुकी हैं। अब हमने जो प्याज टमाटर को पीस के रखा हुआ था ना, उसे इसमें डाल देंगे। सारी चीजों को हमने डाल दिया है। जार में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी कम होती है, इसलिए आप इस मिर्च को बेफिक्र होकर के डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं।
1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भून लें, चलाते हुए आप इसे भून लें। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसालों से तेल बाहर ना आ जाए। अब हम इसे 3 से 4 मिनट कवर कर देते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए मसाले ऑलमोस्ट हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। इसे भी हम 3 से 4 मिनट ढक करके इसे भी हम भून लेंगे। मसालों के साथ इसे भी आप चलाते हुए थोड़ा भून लें। अब हम इसे भी 4 से 5 मिनट कवर कर देते हैं ताकि आलू थोड़ा थोड़ा बहुत जो कच्चा रह गया हो वो अच्छे से पक जाए। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए इसे भून ले। अब हम सब्जी को देख लेते हैं। ये देखिए सब्जी से देखिए तेल बाहर आ चुकी है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना टेम्परिंग लग रहा है देखने में। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उतना ही टेस्टी है। अब हम इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट और इसे हम भून लेंगे। हमने इसे 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे डाल करके मिला ले। आपको अगर थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा कम पानी डालें। अगर थोड़ा पतली सी ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा पानी ज्यादा ऐड कर दे। लेकिन इस दम आलू में ना ज्यादा पानी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आप इसमें थोड़ा ही इसमें पानी ऐड करें। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसे डाल करके मिला ले। अब गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए इसमें उबाल आने दे। सब्जी में उबाल आ चुकी है, ये देखिए सब्जी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए आपको मैं इसे काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आलू हमारे कितने अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। इसे डाल करके मिला ले। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। ये लीजिए ढाबा स्टाइल दम आलू बनके बिल्कुल तैयार है। मैंने आपके साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ ढाबा स्टाइल दम आलू की रेसिपी शेयर की है। अब आप ढाबे जैसे दम आलू घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।